बड़ी खबर अभी दिल्ली हाईकोर्ट से आ रही है, तरुण तेजपाल के मामले में अब सुनवाई 3:30 बजे होगी। आइए सीधे चलते हैं दिल्ली हाईकोर्ट, जहां से जी मीडिया संवाददाता महेश गुप्ता हमारे साथ है। महेश, ये बताएं 3:30 बजे सुनवाई होनी है। देखिए, इसके अंदर क्योंकि ये लंबी बहस होती है और अदालत में जब आज सप्लीमेंट्री मैटर्स होते हैं, फ्रेश मैटर्स होते हैं, तो वो 10 या 12 15 जितने भी होते हैं अदालत पहले उनको सुनती है, वो एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो मिनट में निपट जाते हैं, क्योंकि इस मामले में लंबी बहस होगी और अगर शुरू में इस मामले को ले लेंगे तो बाकी मामले जो हैं वो डिले हो जाते हैं। तो इसलिए अदालत ने 3:30 बजे का समय रखा है, क्योंकि गोवा की एक स्टेटस रिपोर्ट आएगी, गोवा के जो पुलिस के वकील हैं वो देंगे, इधर से जो इनके तेजपाल के वकील हैं वो जिरह करेंगे, तो अदालत भी ये चाह रही है कि इस मामले को जो है विस्तार से सुन लिया जाए, क्योंकि इसके अंदर जो इनके वकील हैं वो काफी सीनियर हैं। काफी कल भी ऐसा ही हुआ था कि जब पहले अदालत ने कहा कि 3 दिन बाद हम सुनवाई करेंगे, फिर उनके वकीलों ने काफी आर्गुमेंट किया, फिर अदालत ने कहा ठीक है 2 दिन बाद सुनेंगे, लेकिन उनके वकील फिर भी अड़े रहे, उन्होंने फिर लंबा आर्गुमेंट किया, फिर अदालत ने कहा ठीक है हम कल सुनेंगे। तो हम कह सकते हैं क्योंकि जब अदालत के अंदर कोई सीनियर एडवोकेट खड़ा होता तो अदालत उसको ज्यादा समय देती है। तो आज संक्षेप में महेश पांडे, महेश गुप्ता, आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं कि जिस तरह से तरुण तेजपाल के सहयोगी बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रहे, क्या उसने भी गोवा पुलिस को कुछ हद तक डिफेंसिव में डाल दिया, ये संभव है? देखिए, जाहिर सी बात है, बिल्कुल है। आप देखेंगे कभी भी कोई हाई प्रोफाइल मामला होता है, खासकर राजनीति से जुड़ा, तो पुलिस थोड़ा सा बच के चलती है। इसके अंदर कल उन्होंने जो पिटीशन है उसमें भी कहा है, कल कोर्ट में भी कहा कि बीजेपी की सरकार गोवा के अंदर है और इन्होंने बीजेपी का जो पूर्व अध्यक्ष है बंगारू लक्ष्मण, उनको रिश्वत लेते हुए एक स्टिंग ऑपरेशन किया था तेजपाल ने, बाद में दोषी भी हुए, तो ये सब जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये सब जो हो रहा है वो लड़की के साथ को बीजेपी सरकार साजिश करके इनको बदनाम करने के लिए कर रही है। तो गोवा पुलिस नहीं चाहती कि सारे सबूत जुटाए उससे पहले उनको अरेस्ट कर ले, तो उनकी जो मेरा अपना मानना है कि भी ये कोशिश रहेगी कि हम मजिस्ट्रेट के सामने 164 का होता है कलमबंद, उसको बोलते हैं कलमबंद बयान, कि लड़की का मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद बयान दर्ज करा दें, उसके अंदर वो पूरी कहानी उसको रिपीट करती है। तो अश्विनी पांडे, जैसे कि महेश गुप्ता अभी कह रहे हैं, गोवा से आपसे जानकारी चाहते हैं कि मजिस्ट्रेट के सामने लड़की का बयान कब होना है, कुछ बात सामने आ रही है? क्योंकि उसके बाद गोवा पुलिस शायद जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश करे तरुण तेजपाल को। जी देखिए, जिस तरह से कल लड़की ने बयान दिया है उससे गोवा पुलिस काफ़ी खुश है, क्योंकि उन्हें वो सारे सबूत जो हैं जो इस पूरे मामले को और मजबूती से रखने के लिए चाहिए, वो उनको सारी बातें मिल गई। लेकिन क्योंकि ये एक सरकारी तौर पर जो हमारा सिस्टम है उसे बीजेपी ने लगाया है, एक केंद्रीय मंत्री जो तहलका के संस्थापक हैं वो तरुण तेजपाल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अभी सुषमा स्वराज ने गंभीर आरोप लगाया है, तेजपाल को एक केंद्रीय मंत्री बचा रहे हैं, ये कहना है सुषमा स्वराज का और ये उन्होंने ट्वीट किया है। इस वक्त आइए सीधे चलते हैं अमित देशमुख के पास, जो तरुण तेजपाल के घर के ठीक बाहर हैं। अमित देशमुख, ये बताएं कि तरुण तेजपाल को समन मिल गया है गोवा पुलिस का? जी देखिए, फिलहाल दिल्ली पुलिस इंतजार कर रही है गोवा पुलिस के समन का, और जैसे ही समन मिलेगा उन तक ये समन पहुंचाया जाएगा, तब ये देखने वाली बात होगी कि समन में कौन सी डेट दी गई, उस डेट से पहले क्या वो जवाब देते हैं या गोवा जाते हैं, आज वो कोर्ट का जो निर्णय आएगा 3:30 के बाद उस पर डिपेंड करेगा पूरा। लेकिन कुल मिलाकर हम देखें तो घर पर फिलहाल जो पूरा घर है वहाँ पर कोई नहीं है, और जहाँ तक ऑफिस की भी बात करें तो वहाँ भी जो एम्प्लॉय हैं काफ़ी डरे हुए हैं, कोई भी अभी इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ रही हैं और लड़की के पीड़ित लड़की के मां ने जिस तरीके से कंप्लेन दर्ज कराया था कि तरुण तेजपाल की बेटी ने उन पे दबाव डाला था जी, तो कुल मिलाकर हम देखें तो आज का जो दिन है काफी अहम रहने की उम्मीद है, और कई और कड़ियां सामने आ रही है। लेकिन जब तक उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती, कई और बड़े लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं, तो जब तक आधिकारिक पुष्टि बिल्कुल अमित और महेश, साथ ही साथ अश्विनी पांडे गोवा से, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।